तो जैसे अभी नरकों की जो बात चलती है ना, तो हमको तो ऐसा लगता है कि अब नरक में कोई जाता नहीं है। बोले कायते मालूम पड़ी हमें, क्योंकि हमने काऊ के कार्ड पे आज तक जे लिखी ना देखी कि हमारे पिताजी का नरक वास हो गया। क्या लिखवाते हैं? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब जैसे हवाई जहाज की टिकट कराओ तो टिकट कट जाती है पैसा से, लेकिन स्वर्ग की टिकट पैसा से तो कटेगी नहीं है। रेल की कटाओ तो रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन स्वर्ग का रिजर्वेशन तो होता नहीं है। पर पता नहीं जी काय बेस पे काय बात पे लिखवा देते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा चलो काऊ आदमी ने अच्छे काम करे हों, कथा भागवत कराई हों, भजन पूजन करे हों, कराए हों, यज्ञ कराए हों, चलो बाकी बारे बाकी जो छोरा लिख दें कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो कोई बुरी बात ना। लेकिन ऐसे न कि छोरा लिख रहे हैं, कैसे न कि माने अपने खेत को जो चकु हथुका हो, अपनों जो खेत हथुका हो, बा खेत के आसपास जितने दगरे जितनी मेड़े सब काट काट के दगरे न को सुपड़ा साफ कर दो। अब ऐसो आदमी स्वर्ग जागो हो, जब मेड़ काटा है का स्वर्ग में देवता ले जाएंगे है। दगरे काट ले जाने, रास्ता काट ले, रास्ता था 20 फुट का है, और माँ जाके देखो तो 20 फुट छोड़ो दसू ना है। माँ मुश्किल से ट्रैक्टर निकरे तो निकरे और नहीं तो न निकरे है। जिन्होंने ऐसे दगरे काटे हैं बिना नरक झेलेगो बुने स्वर्ग झेलेगो है। अरे मेड़ काटाओ, अरे दगरे काटाओ है, तुम जो लिखवा रहे हो ना कि स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे जा कागज में लिखवे थे कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास होने वाला है वो तो भुगतनो पड़ेगो है। को करे तर्क बढ़ावे शाखा, होई है सोई जो राम रचे, कर्म प्रधान विश्व करे राका है। ये मेड़ कटने के कहीं कहीं अभी तुम्हारी अक्षरोनी का तो मुझे पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपना मकान बनाएंगे तो गैल में एक 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 हाथ आगे अभी दीवार कर लेंगे, और दीवार एक हाथ आगे करके फिर बांधते सीढ़ी सीढ़ी बनाते हैं सीढ़ियां द्वार में, फिर द्वार में तो सीढ़ी धर देंगे आधे गैल में पूरा घेर लो है। अब ऐसो आदमी मरेगा तो स्वर्ग जागो। अरे जब ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो नरक में को जागो मोबार जागो नरक में का जो महात्मा लोग जाएंगे है। तू दगरे ने ना छोड़ रहो, गैल ने ना छोड़ रहो है, ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे क्या बताए। ऐसे ऐसे लोग जो गांव में रहे तो एक दिना गांव में चैनते कौए जीवन नहीं दयो, जामे फूट पार बामे फूट पार है, जाकी चुगली बातें कर बाकी चुगली जाते करे, जिनने लड़ा आपस में ऐसे काम करता रहो। ऐसा एक आदमी अचरौनी को नहीं है, तो अचरौनी तो बहुत अच्छी है भगवान की कृपा से है। देखो हंसता तुम भाई भाई, अचरौनी में अभी मैं 3 दिन और कथा करनी है ना है, कहूँ बुरी लग जाए है ना। अचरौनी में आता है ऐसे आदमी? अच्छा आता है। अच्छा एक बात है, ऐसे आदमी जानते सब है पर बाकी मुंह पे कोई ना कहता है, जानते दुनिया है के जाने एक उदना गांव चैनते रहना दो, पर बातें कहना पाते कोई, पर बात समझ सब लेते हैं है ना, कि जी ऐसा है लड़ाई करवाइया है, अपने बोटन के लड़ाई करवा दे, अपने नेक फायदा के लिए लड़ाई करवा दे, अपने नेक से 20 रुपया के पीछे ऐसा कहते मान समरवा दे। ऐसे ऐसे लोग जब दुनिया में, अचरौनी की ना कह रहा हूँ मैं, जब दुनिया की कह रहा हूँ हाँ, यहाँ तो सब अच्छे हैं, देखो कैसे मल्लुक मल्लुक बैठे हैं है? तो भैया अब जाने दगरे नहीं छोड़े, जाने का मेड़ नहीं छोड़ी है, और जाने आपस में लड़ाई करवाई है, जाने काका नहीं करवा, अब बुनेऊ के छोरा लिख रहे हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास है, ते पिताजी है तेरे रिजर्वेशन करा लो स्वर्ग का, इन्हें का शर्म तो करे आके न में, तो बापू स्वर्ग में जागो तो नरक में जी हमारे महाराज जी जाएंगे फिर है। आंख न में नेक शर्म ना आदमी की रही। तो महाराज जी एक आदमी तो का लिख रहो
कि मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग तो ऊपर निकल गो, और मैं उसे जानता था। इतनो इतनो बेकार आदमी, इतनो बेकार आदमी, कुत्ता कहो तो बुरो है। नहीं बुरो नहीं, कम है, क्योंकि कुत्ता तो कम से कम वफादार तो होता है, और वो तो भाई हड़िया में खावे और भाई में छेद करे, ऐसा आदमी। और बाकी छोरा निकाले कि भाई मेरे प्रिय श्री श्री फलाने जी का वैकुंठ वास हो गया। और वो क्या करता था, सुबेरे जगत खेम पौआ मोह में, जगत खेम पौआ मोह में, बाकी बाद पौआ पी के फिर दो सिगरेट पी ली, फिर जो है मीड के वो का हो तो न्युकते पहले है, फिर न्युकते, फिर जो मोह फूक मार के बाम तो कचू उड़ा देते जिनका है, बस सब सब खतरनाक ही खतरनाक है, बाम तो तू का उड़ावे है। फिर वह गलपटे में वह दवाई लेते हैं, वह गोबर है, है? और बाकी बाद फिर डोलते हैं, बिन बे मर जाए तो बिना कुछ कहता, अरे कहाँ, अरे वैकुंठ वास, मैं ते बाप की नौकर लग रहा हूँ, वैकुंठ को जो रचेता है तो तू वो वैकुंठ में बुलावे को है, तो शर्म करनी चाहिए विनय है। क्यों भैया गलत कह रहे हो ना, तुम बताओ है। अरे हाँ ना तो करो, मूड हला दो करो, मुझे समझ में आ जाए। अच्छा तुम में तो ना खाते कोई पियते तो ना है, पौआ फौआ। अच्छा माताएं बहुत अच्छी हैं जागी है ना। अच्छा जी पिए तो तुम्हें बुरा तो ना लगा, तो लगा तो है भैया। अब मैं क्या बताऊं आपको, वो जो आदमी था ना जिसने वैकुंठवास की बात करी, वो मैं उसे जानता था। मैंने वह छोराते कही, मैंने कि भले मांस तो खुद पता हो कि ते बाप ने कैसे कैसे कुकर्म करे, तो तू वैकुंठ में भेज रहे लिख के। बोले गुरु जी लिखने में क्या जाता है, मैंने कि बहुत कुछ जाता है। तो बोले महाराज मुझे शर्म लग रही थी नरक लिखने में, तो मैंने कि तू शर्म लग रही है तो जो लिखता साहब मर गए, मो ना पता कहाँ गए, अछरौनी में गए हैं, कहते कुछ चले गए, सब मैं जानता हूँ। इतनी ईमानदारी तो कम से कम भरत हो ना है। तब बने की कह तो आप सही रहे हैं, पर ऐसी दिमाग में नहीं आई। तो मेरी प्रार्थना है भैया है, कम से कम जो आदमी स्वर्ग लायक है तो लिखो कि स्वर्ग वास हो गया, नहीं जो कह दो साहब देह छूट गई है, देहांत तो हो गया है, मृत्यु हो गई है, शरीर शांत तो हो गया है, बाकी आगे ने कहा मोह में लगाम लगा ले हैं, तुम ठेकेदारी क्यों ले रहे हो, स्वर्ग गए हैं। तो जब हमने कार्ड बार बार देखे और पढ़े तो मैंने कि भैया सब दुनिया स्वर्ग जा रही है, तो मुँह तो चिंता है कि मैंने स्वर्ग भरेगो तो म्यो का होगो, स्वर्ग भरेगो तो जब तक लेट है गए हम तो फिर होगो का है। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया कि फल कौन कौन से कर्म के कारण कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। तो परीक्षित जी ने पूछा भगवान एक बात बताओ, जा नरक ते हम पे चलो कर्म तो बन ही जाते हैं कभी न कभी, क्योंकि मनुष्य हैं है ना, गलती तो हो ही जाती है, पर यूँ बताओ जाते बचवे को कोई उपाय है। बोले हाँ तीन उपाय बताए। बोले या तो भगवान गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का सहारा ले ले, जप करे दिन और रात है। दूसरा या फिर कथा की शरण ले ले, जहां जहां कथा होए वहां कथा सुन भी जाए। और तीसरी क्या करे, जहां जहां कथा होए वहां कथा सुन भी। बोले भैया महाराज हम कहाँ कहाँ कथा सुनेंगे, तुम्हारी तो जैसे तैसे यहाँ आ जाए भैया, और जाके बाद जन कहाँ होगी, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। अब तो भगवान ने सुविधा कर दी है, तुम्हें दुनिया में डोलीवे की जरूरत नहीं है। यदि साक्षात कथा है रही है गांव में तो बाम सुनो, नहीं तो अपने मोबाइल में घर निकालो हैं, और मोबाइल में बैठ के रोज कथा सुनो, रोज भजन सुनो हैं। और इतनी सुविधा भगवान ने कर दी है, और जब वे न कर पाओ तो बताऊं क्या करो, बोलो बोलो। तो कहो भार कुआ में कूद के मर जाओ, इतनी सुविधा पे तुम पे ये काम ना है रो है। एक भजन है हमारा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में है।